नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनुवाड़ी 1920 में। और रोज़ की तरह मैं मनु हाजिर हूँ आपके सपनों की समस्याओं का हल लेकर। दोस्तों, सपनों की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि सपने में यदि कोई व्यक्ति किसी राजा को देखे तो इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, यूँ तो अब तो राजशाही समाप्त हो चुकी है, कहीं कोई व्यक्ति यदा कदा ही कहीं राजा को देखता हो, क्योंकि राजशाही नहीं रही तो राजा ही नहीं रहे। और मित्रों, कहीं से प्रांत में यदि राजशाही चलती भी है, कहीं पर है सुदूर प्रांत में, तो वो लोग अपने वास्तविक जीवन में देखते रहते हैं। लेकिन मित्रों, ये सपने हैं, सपने में कोई व्यक्ति कुछ भी देख सकता है। यदि आपने सपने में किसी राजा को देख लिया है तो इस सपने का मतलब क्या होता है, ये जान लेते हैं। दोस्तों, भारतीय स्वप्न विज्ञान में ऐसा बताया गया है कि जिस किसी भी व्यक्ति ने सपने में किसी राजा को देखा है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, क्या सपना देखना देखने वाले इस व्यक्ति के लिए बहुत ही शुभ होता है और सकारात्मक स्वप्न है। दोस्तों, सपनों में राजा को देखना कोई अशुभ स्वप्न नहीं होता है, अतः इस सपने को देखने के पश्चात घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। दोस्तों, भारतीय स्वप्न विज्ञान ये कहता है कि जिस किसी भी व्यक्ति ने सपने में राजा को देखा है तो आने वाले समय में उसके मान और सम्मान में वृद्धि होने वाली है। यानी कि दोस्तों, सपने में राजा को देखना आपके वास्तविक जीवन में मान और सम्मान में बढ़ोतरी को दर्शाता है, साथ ही साथ आपके वास्तविक जीवन में खुशहालियाँ आने वाली है, यह सपना इस बात की तरफ भी इशारा करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और आप हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो फिर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंच सके। और मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपका अपना कोई सगा संबंधी भी इस सपने का मतलब जान सके, तो फिर आप हमारे इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। जय श्री राधे मित्रों, ईश्वर आप सबका कल्याण करे।